सभी को मेरा सुप्रभात। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, शिक्षा विद्या शाखा उत्तर प्रदेश राज टंडन मुक्त विद्यालय से। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने मेजरमेंट, असेसमेंट, एवेल्युएशन क्या है, उनका पर्पज क्या है, आज हम लोग बीएड E03 पेपर के अंतर्गत थर्ड यूनिट का अध्ययन करेंगे, अर्थात जो आकलन है उसके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। आकलन का वर्गीकरण कई आधार हैं, कई आधार पर हम आकलन को वर्गीकृत करते हैं, जिसमें संरचनात्मक एवं योगात्मक आकलन की बात करते हैं। इसके अलावा हम मानक संदर्भित, निकट संदर्भित एवं स्वसंदर्भित आकलन की बात करते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग निरपेक्ष, सामान्य एवं इप्सेटिव आकलन की भी बात करते हैं। कई आधार हैं जिसके आधार पर आकलन को वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आकलन के वर्गीकरण की, जहां पर एक शिक्षा शास्त्री थे मिचेल स्क्रीवेन, उन्होंने आकलन को दो भागों में विभाजित किया। वो एक था संरचनात्मक आकलन और दूसरा योगात्मक आकलन। तो मिचेल स्क्रीवेन ने ये वर्गीकरण 1967 में दिया था कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है और जो समेटिव असेसमेंट है, उनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, वो किस प्रकार से हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उन्नत बनाने में अपना योगदान देते हैं। तो ये उनके द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट शिक्षा शास्त्रियों द्वारा बहुत ही कम समय में अडॉप्ट कर लिया गया। तो हम इस पर बात करते हैं कि वास्तव में जो फॉर्मेटिव एवलुएशन है या समेटिव एवलुएशन है, वो है क्या। तो देखिए, कोई भी मेजरमेंट हो, असेसमेंट हो, इवेल्युएशन हो, वो किस लिए किया जाता है, ताकि चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है या शिक्षण विधि है या पाठ्यक्रम है या उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को और किस प्रकार से अच्छा किया जा सके, या पहले से उपस्थित जो शिक्षण विधियां हैं, पाठ्यक्रम हैं, शिक्षण सामग्री हैं, उनका उनमें से जो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प हों उसका चुनाव कर सकें। इसी आधार पर आकलन को दो भागों में बांटा गया, फॉर्मेटिव एवलुएशन और समेटिव एवलुएशन। तो फॉर्मेटिव एवलुएशन क्या है, जब कोई भी प्रक्रिया या शिक्षण विधि या पाठ्य सामग्री, उद्देश्य या एवरीथिंग, कुछ भी जो भी शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड हो, जब वह निर्माण की अवस्था में हो, मतलब अपने अंतिम रूप लेने से पूर्व की अवस्था में हो, जिससे कि उस शिक्षण विधि में, उस पाठ्य सामग्री में, उस सामग्री में क्या कमियां हैं, उनको दूर किया जा सके और एक अच्छी शिक्षण विधि, पाठ्य सामग्री या उद्देश्यों को डेवलप किया जा सके। कहने का मतलब है, पाठ्यक्रम को या शिक्षण विधि को फाइनल रूप से बनाने से पूर्व ही उसके उसमें क्या क्या चीजें ऐड करने की आवश्यकता है, जिससे वह और भी अधिक प्रभावी हो सके। इस उद्देश्य से जब कोई आकलन किया जाता है, तो वह संरचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कोई बुक का निर्माण किया जा रहा है, कोई बुक लिखी जा रही है, तो उस बुक को लिखते वक्त उसके मार्केट में, बाजार में आने से पहले उसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, जिससे कि उन कमियों को दूर किया जा सके और उस बुक को एक आदर्श बुक या एक स्टैंडर्ड मानक बुक बनाया जा सके, जिससे कि उस बुक की विश्वसनीयता बढ़ सके, उस बुक की वैधता बढ़ सके, ताकि जो शिक्षार्थी हैं उनको ज्ञान ग्रहण करने में कोई डाउट ना रहे, आसानी हो। इस उद्देश्य से फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। लेकिन यदि वह बुक बन गई, पब्लिश हो गई, मार्केट में आ गई,
अब अगर उसमें कोई कमियां रह गई हैं तो उसमें हम सुधार नहीं कर सकते। तब कौन सा इवैल्यूएशन होगा? तब समेटिव इवैल्यूएशन होगा या समेटिव असेसमेंट होगा, क्योंकि अब मार्केट में एक बुक नहीं है, बहुत सारी बुक हैं। अब उन कई बुक में से कौन सी हमारे लिए अच्छी है, जब हम इसका आकलन करते हैं तब वह हमारा समेटिव आकलन कहलाता है, अर्थात योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। क्योंकि मार्केट में बुक आ जाने के बाद, पब्लिश हो जाने के बाद, हम उसमें संशोधन करने के उद्देश्य से आकलन नहीं करते हैं, बल्कि मार्केट में एक से अधिक जो भी बुक उपलब्ध हैं उनमें से किसी एक बेहतर किताब का, बुक का हम चुनाव करने के उद्देश्य से आकलन करते हैं, तब वह योगात्मक आकलन कहलाता है। ये उदाहरण तो बुक के रेफरेंस में था। अगर हम और किसी संदर्भ में देखें, जैसे कक्षा कक्ष के दौरान जब शिक्षण कार्य होता है कक्षा कक्ष में, तब अगर हम फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट की बात करें, तो शिक्षक पाठ पढ़ाने के बाद, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है, कोई भी पाठ पढ़ा रहा है, और उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद आपका मूल्यांकन करे, आपका असेसमेंट करे कि आपने कितना सीखा और क्या कमियां रह गई। जो कमियां रह गई हैं उनको दूर किया जाएगा। तो डेली पाठ पढ़ाने के बाद अगर आपका टेस्ट लेता है शिक्षक, तो वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा मंथली टेस्ट, तिमाही टेस्ट, छमाही परीक्षाएं जो होती हैं, कहने का मतलब है फाइनल रिजल्ट से पहले जब हम इस उद्देश्य से आकलन करते हैं कि विद्यार्थी और अच्छा सीख सकें और सीख सकें, उनमें जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को वो दूर करके सीख सकें, जब इस उद्देश्य से हम परीक्षाएं आयोजित करते हैं, तो ऐसी परीक्षाएं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जब वार्षिक परीक्षा या परीक्षाएं वर्ष के अंत में ली जाती हैं और इस उद्देश्य से ली जाती हैं ताकि बच्चों को या शिक्षार्थियों को हम अगली कक्षा में प्रोन्नत करें या ना करें, जब इस उद्देश्य से ये निर्णय लेने के लिए प्रोन्नत और पास या फेल करने के उद्देश्य से हम परीक्षाएं आयोजित करते हैं, तो वह समेटिव असेसमेंट या योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत ऐसी परीक्षाएं आती हैं। क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन में हम विद्यार्थी को कुछ जो कमियां रह गई हैं उनको सिखाने या बताने के उद्देश्य से नहीं करते हैं, बल्कि कक्षा में प्रोन्नति करें या ना करें, इस उद्देश्य से हम ऐसी परीक्षाएं लेते हैं। तो वार्षिक परीक्षाएं समेटिव असेसमेंट का उदाहरण है, जबकि मंथली या दैनिक या तिमाही छमाही परीक्षाएं हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट की उदाहरण है। इसी कड़ी में अगर हम आगे बात करें, एक आधार और है जिसमें हम मापन को निरपेक्ष, सामान्यीकृत तथा इप्सेटिव आकलन के रूप में वर्गीकरण करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं बारी बारी से कि निरपेक्ष आकलन क्या है, सामान्यीकृत आकलन क्या है और इप्सेटिव आकलन क्या है। तो देखिए, निरपेक्ष एब्सोल्यूट असेसमेंट क्या है? जब हम किसी भी व्यक्ति के गुणों या अवगुणों को निरपेक्ष रूप से, किसी के सापेक्ष नहीं बल्कि निरपेक्ष रूप से उनको व्यक्त करें या उनका मापन करें, तब हम निरपेक्ष आकलन करेंगे। जैसे जो भौतिक चर हैं, जैसे लंबाई हुई, भार हुआ, ये निरपेक्ष रूप से व्यक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक शून्य उपस्थित होता है, जबकि सामान्यीकृत या इप्सेटिव मापन में निरपेक्ष शून्य उपस्थित नहीं होता है, एब्सोल्यूट जीरो उपस्थित नहीं होता है। लेकिन जो निरपेक्ष असेसमेंट होता है उसमें हम निरपेक्ष रूप से किसी भी गुणों को या
अवगुणों को व्यक्त करते हैं, मापते हैं। उदाहरण के लिए किसी का भार अगर 10 किलोग्राम है और किसी का 20 किलोग्राम है, किसी का 30 किलोग्राम है, तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि इनका भार 10 है, 20 है, 30 है, ये इनसे एक गुना अधिक हैं, ये इनसे दो गुना अधिक हैं, ये इनसे तीन गुना अधिक हैं। जबकि सामान्यीकृत या इप्सिटिव मापन में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ वास्तविक शून्य नहीं होता है। वहाँ पर जो भी प्राप्त अंक होंगे उनका किसी के सापेक्ष ही वर्णन, सामान्यीकृत में किसी के सापेक्ष ही वर्णन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उन अंकों का स्वयं में कोई अर्थ होगा, ऐसा नहीं है। जो शिक्षा शास्त्र है, समाज शास्त्र है, इस तरह के जो भी मानव व्यवहार से संबंधित विषय हैं, वहाँ पर जिस प्रकार के मापन का प्रयोग होता है वो अधिकतर सामान्यीकृत मापन का प्रयोग ही होता है। जैसे अगर आप बुद्धि की बात करें, बुद्धिलब्धि की बात करें, या आप अचीवमेंट टेस्ट हो, चाहे वो अन्य टेस्ट हो, जिसमें हम कह सकते हैं व्यक्तित्व परीक्षण भी हो सकता है, अभिक्षमता परीक्षण भी हो सकता है, तो इस प्रकार के जो भी मापन होंगे वो सामान्यीकृत मापन के अंतर्गत आएंगे। सामान्यीकृत मापन क्या है? जैसे उदाहरण के लिए आप लोग बीएड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोग टीजीटी के शिक्षक बनने के लिए ही कर रहे हैं, या कुछ लोग ऑलरेडी शिक्षक हैं तो वो प्रोन्नति के लिए कर रहे हैं। तो जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों की उपलब्धि को ज्ञात करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाते हैं। उन परीक्षाओं पर जो अंक प्राप्त करते हैं बच्चे, वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे ने सामाजिक विज्ञान में अगर कोई अंक प्राप्त किया तो दूसरा बच्चा उतने अंक सामाजिक विज्ञान में प्राप्त नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। उससे कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, मतलब एक बच्चे के अंक दूसरे बच्चे को प्रभावित नहीं करते हैं। अब जो बच्चे प्राप्तांक प्राप्त करते हैं इन परीक्षणों पर, उनकी तुलना हम चाहे वो बच्चों के स्कोर के आधार पर करते हैं कि ये बच्चा उस बच्चे से अच्छा है, औसत है या खराब है, या समूह में तुलना करते हैं कि इस समूह के बच्चे उस समूह से बेहतर हैं या उनसे कम योग्य हैं। इस आधार पर जब हम मापन करते हैं तो वो सामान्यीकृत मापन कहलाता है, नॉर्मेटिव मापन कहलाता है, क्योंकि हम इसके अंतर्गत बच्चों की सापेक्षिक स्थिति, किसके सापेक्ष? अन्य बच्चों के या अन्य समूहों के बच्चों के मध्य सापेक्षिक स्थिति की तुलना करते हैं और हम उन्हें अच्छा खराब या अच्छा पुअर, गुड पुअर में विभाजित करते हैं। बच्चों का विभाजन कि इन ये बच्चे गुड क्वालिटी में हैं या गुड अचीवर हैं, ये नॉर्मल अचीवर हैं या पुअर अचीवर हैं, जब इस तरह का विभाजन करना होता है वहाँ पर हम नॉर्मेटिव या सामान्यीकृत मापन का प्रयोग करते हैं। इप्सेटिव आकलन क्या है? इप्सेटिव आकलन उस स्थिति में करते हैं जब किसी एक ही बच्चे या बच्चों के अपने ही अंदर जो उपस्थित विभिन्न गुण हैं, उन विभिन्न गुणों में जब हमें सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करनी हो, लेकिन यहाँ ये सापेक्षिक स्थिति अन्य बच्चों के संदर्भ में नहीं है, बल्कि अपने ही अंदर जो विभिन्न गुण हैं उनके सापेक्ष कौन से गुण प्रबल हैं और कौन से गुण गौण हैं। जब हमें इस तरह की चीजें ज्ञात करनी हो, जैसे इनका प्रयोग अभिवृत्ति मापनी में, या कभी कभार हम व्यक्तित्व मापने में भी इस तरह के जो इप्सेप्टिव आकलन है उनका प्रयोग
किया जाता है कि बच्चों में विभिन्न गुणों में कौन से गुण अधिक हैं, कौन से गुण कम हैं, बच्चे किन गुणों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और किन गुणों को कम प्राथमिकता देते हैं। जब इनकी जानकारी हमें प्राप्त करना हो तो ऐसी स्थिति में एब्सर्प्टिव असेसमेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, हॉकी खेलना पसंद करते हैं, फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो आप क्या करेंगे, क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना, फुटबॉल खेलना, इनको क्रम में लगाएंगे कि हम हॉकी को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्रिकेट को उसके बाद, फुटबॉल को उसके बाद। इसी तरह अन्य विद्यार्थी भी अरेंज करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर अन्य विद्यार्थियों से तुलना नहीं करेंगे, बल्कि उन्हीं के एक ही विद्यार्थी के विभिन्न गुणों की जो है आपस में तुलना करेंगे, किनको ज़्यादा महत्व देते हैं। मानक संदर्भित, निकट संदर्भित तथा स्व संदर्भित आकलन की भी बात करते हैं। मानक संदर्भित, निकट संदर्भित, स्व संदर्भित, इसको भी समझना पड़ेगा कि मानक संदर्भित मापन क्या है या आकलन क्या है, निकट संदर्भित आकलन क्या है, स्व संदर्भित आकलन क्या है। तो देखिए, जब हमें विभिन्न समूहों की आपस में तुलना करना हो या विभिन्न बच्चों के बीच तुलना करना हो, या समूह में कमजोर छात्र श्रेष्ठ छात्र को पता करना हो, तो मानक संदर्भित परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब बच्चे को निपुण अनिपुण, मतलब मास्टर नॉन मास्टर, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर, किसी भी प्रकरण पर बच्चे की मास्टरी है कि नहीं, वो इस टॉपिक पर मास्टरी अर्जित की है या वो निपुण नहीं है, नॉन मास्टर है, जब इसका पता लगाना हो, तब निकट संदर्भित क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मानक संदर्भित, जब चूंकि आप लोग जब कोई भी टेस्ट का निर्माण करेंगे, टेस्ट कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उस समय नाम्स डेवलप किए जाते हैं, मानक डेवलप किए जाते हैं, और मानक डेवलप करने के कई आधार होते हैं, कई प्रकार होते हैं, वो आगे की चीज़ें हैं, बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। जैसे आयु मानक, कक्षा मानक, ठीक है, इसके अलावा स्टैंडर्ड स्कोर के थ्रू भी जो मूल प्राप्तांक होते हैं, उन मूल प्राप्तांक को स्टैंडर्ड स्कोर, स्टैंडर्ड स्कोर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे जेड स्कोर, टी स्कोर, ठीक है, इसके अलावा स्टे नाइन, तो कई प्रकार के प्राप्तांक होते हैं जिनके माध्यम से हम मानक विकसित करते हैं। जैसे आयु मानक, कक्षा मानक क्या है कि एक, जैसे 7 साल के बच्चे या 10 साल के बच्चे, मानते हैं कि 10 साल के बच्चों के एक समूह को हमने लिया, उस पर उस परीक्षण को प्रशासित किया और फिर देखा कि उसका मध्यमान कितना है, और उस मध्यमान और मानक विचलन के आधार पर या स्टैंडर्ड स्कोर के आधार पर हम ये तय कर देते हैं कि 10 साल के बच्चों के लिए इतना अचीवमेंट होना जरूरी है, 12 साल के बच्चों के लिए इतना अचीवमेंट होना जरूरी है। तो ये मानक जब हम विकसित करते हैं, तो फिर मानक से हम तुलना कर लेते हैं कि बच्चे वो अच्छे हैं या बुरे हैं अचीवमेंट में, ठीक है। और सिर्फ अचीवमेंट ही नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि अचीवमेंट टेस्ट में ही सिर्फ नाम्स डेवलप किए जाते हैं, और भी जो टेस्ट हैं, चाहे वो एप्टीट्यूड टेस्ट हो, चाहे वो पर्सनालिटी टेस्ट हो, उनमें भी नाम्स डेवलप कर लिए जाते हैं। और अगर नाम्स डेवलप नहीं भी करते हैं, तब भी इस तरह के जो परीक्षण बनाए जाते हैं, उनमें अन्य समूहों के बच्चों से वही मध्यमान और मानक विचलन के आधार पर या टी परीक्षण के द्वारा हम समूहों के बीच तुलना करते हैं कि कौन से बच्चे किस गुणों में या उपलब्धि में, व्यक्तित्व में, अविक्षमता में अन्य समूह के बच्चों से या अन्य बच्चों से अच्छे हैं या
खराब हैं तो उसका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन जो निकट संदर्भित परीक्षण होता है उसमें हम बच्चों को अन्य बच्चों की तुलना में अंतर नहीं करते या विभेद नहीं करते, बल्कि हम किसी क्राइटेरिया के आधार पे, वो क्राइटेरिया क्या होता है, जैसे वो क्राइटेरिया उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है कि जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे बच्चों के लिए, क्या बच्चे उन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, करते हैं तो कितनी पूर्ति करते हैं और किन किन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करते हैं। तो एक क्राइटेरिया जैसे हो गया उद्देश्य, इसके अलावा और क्या क्राइटेरिया हो सकता है, हमारा कंटेंट, जो पाठ्यक्रम है या पाठ्यवस्तु है, कि कितनी पाठ्यवस्तु में बच्चे ने सफलता प्राप्त की और कितना कंटेंट ऐसा है जो अभी तक बच्चा उस पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाया या उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। इसके अलावा बच्चों के लिए वांछित व्यवहार क्या होना चाहिए, तो कई तरीके से क्राइटेरिया डेवलप होते हैं। तो क्राइटेरियन टेस्ट में हम अन्य बच्चों के सापेक्ष तुलना नहीं करते हैं, बल्कि जो निर्धारित उद्देश्य थे उनके आधार पर बच्चों की व्याख्या करते हैं, बच्चों को अंक प्रदान करते हैं या बच्चों को देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त किया या नहीं, या पाठ्यवस्तु के आधार पर हम अन्य बच्चों के नहीं, अर्थात मानक संदर्भित जो परीक्षण होते हैं वो बच्चों की सापेक्षिक स्थिति को दिखाते हैं, जबकि निकट संदर्भित परीक्षण बच्चों को किसी अन्य बच्चों या समूहों के बच्चों से तुलना ना करके, बल्कि हम उद्देश्यों या पाठ्यवस्तु के आधार पर बच्चों को ज्ञानी अज्ञानी के रूप में विभाजित करते हैं। तो यहाँ भी कमजोर, अच्छा, सामान्य या औसत की बात करते हैं, जबकि निकट संदर्भित परीक्षण में हम बच्चों को मास्टर की इन उद्देश्यों को बच्चे ने प्राप्त कर लिया है, इसमें मास्टरी प्राप्त कर ली है या मास्टरी प्राप्त नहीं की है, इस तरह से हम निकालते हैं। स्वसंदर्भित क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति जैसे कुछ विशेष बच्चे हैं, अब उनके लिए या विशेष परिस्थितियों से आए हुए बच्चे हैं, उनके लिए जरूरी नहीं है कि सभी वो सिलेबस या सभी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकें, तो कभी कभी शिक्षक के सामने ऐसी चुनौतियां होती हैं कि वह स्वयं से या बच्चे स्वयं से अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमको ये चीज़ें सीखना है, और उस परिप्रेक्ष्य में वह मूल्यांकन करते हैं कि हमने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं, तो स्वसंदर्भित परीक्षण की बात होती है। इसके अलावा और भी आकलन के वर्गीकरण हैं, जैसे औपचारिक और अनौपचारिक आकलन, इसके अलावा बाह्य एवं आंतरिक आकलन। औपचारिक एवं अनौपचारिक आकलन के विषय में आप लोग जानते ही हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बाह्य आकलन और आंतरिक आकलन क्या है। तो आप देखेंगे कि बाह्य आकलन उसे कहते हैं जब, जैसे आप लोगों का बीएड का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो उसमें बाह्य परीक्षक आते हैं, मौखिक परीक्षा आपकी लेते हैं, तो वो आकलन जो करते हैं वो बाह्य आकलन है, लेकिन जो आपको पढ़ाते हैं, आपको आपके साथ कांटेक्ट क्लास करते हैं, जब वो आपका आकलन करते हैं, आपसे प्रश्न पूछते हैं और फिर उसके आधार पर क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने हैं तो आपको उत्तर भी बताते हैं, तो वो जो आपके कॉलेज जहाँ आपका एडमिशन हुआ है तो वो आपके आंतरिक आकलन करता है, जबकि जो एक्सटर्नल जो है वाइवा लेने आपके मौख की जाते हैं तो वो बाह्य आकलनकर्ता होते हैं। और अगर इसको बाह्य और आंतरिक के आधार पर एक लिंक और जोड़ें, तो जो आंतरिक आकलनकर्ता होता है जहाँ पर आपका एडमिशन होता है, वो शिक्षक जो आपको पढ़ाते हैं और आपसे प्रश्न पूछते हैं या आपकी परीक्षाएं लेते हैं इस उद्देश्य से
कि आप में जो भी कमियां रह गई हैं पढ़ने में उसमें सुधार हो सके, तो वह फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी होता है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन डायरेक्ट या फॉर्मेटिव असेसमेंट किससे जुड़ा है? इंटरनल असेसमेंट से। जबकि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर जाता है, जो कि आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आपको ग्रेड या अंक प्रदान करता है, वो इस उद्देश्य प्रदान नहीं करता कि आप में सुधार हो, बल्कि वो आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आपको एक ग्रेड प्रदान करता है ताकि आप आगे की कक्षाओं में प्रोन्नत हो सकें, या आपके लिए जो फिक्स पॉइंट हैं उन पॉइंट्स को आप प्राप्त कर सकें। तो वो एक्सटर्नल जो असेसमेंट होता है वो समेटिव असेसमेंट से जुड़ा होता है। हम लोग इसके बारे में और भी चर्चाएं करेंगे अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।